थ्री ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारे वीडियो नंबर 42 और वीडियो नंबर 42 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिटायरमेंट का केस नंबर 4। यानी आज हमारी वीडियो में रिटायरमेंट वाला जो टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएगा। हमने तीन केस पढ़ लिए, केस कैपिटल एडजस्टमेंट के, कैपिटल एडजस्टमेंट में तीन अलग अलग केस कैसे होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो जो केस नंबर 4 है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे केस नंबर 3 से, जो कि पिछली बार तक तो केस नंबर 3 में ही इंक्लूडेड था और तीन ही केस थे, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए या थोड़ा सा इससे ज्यादा देने के लिए हमने एक और केस बना दिया। तो हम पहले केस नंबर 3 की वीडियो जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो में ही सारा खेल है और उस वीडियो में एक और पॉइंट ऐड करके हम इस वीडियो में केस नंबर 4 को खत्म करेंगे। सो गाइस देखो, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो, जैसा कि हमने केस नंबर 3 में पढ़ा था कि क्या होता है, जो पार्टनर है हमारे, जैसे मान लेते हैं हमारे पार्टनर है यहां देखो ए और बी, ये तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। क्या होता था, जब भी जाएगा तो उसको पैसा देना है। ये हमने केस नंबर 3 में पढ़ा था कि जब भी जा रहा है तो वो पैसा लेके जाएगा और जो पैसे होंगे वो ए और सी मिला के देने वाले हैं। ये था हमारा केस नंबर 3, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी करा था। आज समझो क्या क्वेश्चन है, समझो। व्हेन अ पार्टनर इज टू बी पेड, अभी भी हमारे उस बी को पैसा देना है, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर रिमेन्स इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां तक हमारा एज इट इज केस नंबर 3 है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसको हमें पैसे देने हैं, कौन देगा, बचे हुए पार्टनर देंगे। किस तरीके से देंगे, कि उनका जो शेयर है, उनका जो कैपिटल है वो किस रेशियो में हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि हमने पहले देखा था, ध्यान समझो, जैसे एबीसी इन दोनों का आंसर आता था, जैसे मान लो 50,000 इसका आ रहा है और 30,000 इसका आ रहा है, ये तो हमने पहले देखे थे कि इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 50,000 और 30,000 आ रहा है। अब मान लो कि बी को कितने देने हैं, 1,00,000 रुपए देने हैं, तो 1,00,000 रुपए कौन देगा, वो 1,00,000 रुपए ए और सी मिलकर देंगे और उसके हिसाब से ही उनकी कैपिटल जो होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट होगी। यानी कि ध्यान समझो, हमने पहले पढ़ा हुआ है, इस केस में जो चेंज है वो क्या चेंज है, जो ए और सी पैसा देंगे, जैसे हम यही मानते हैं, चलो पहले इसको देखो, ए बी सी है, हम यही मानते हैं ए की कैपिटल आई 50,000, सी की आई 30,000 और बी को जो पैसा चुकाना है वो है 1,00,000। तो पिछले केस में क्या होता था कि वो 1,00,000 रुपए ये दोनों मिलके दे रहे थे, वो 1,00,000 रुपए ये दोनों मिलके दे रहे थे। इस केस में वो ही है, बस एक कन्वर्जन क्या है, लीविंग अ मिनिमम कैश बैलेंस, लीविंग अ मिनिमम कैश बैलेंस। यानी कि अब की बार इस 1,00,000 रुपए में से कुछ पैसा, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कंपनी भी देगी। जैसे हम मानते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, जैसे अज्यूम करो यही केस लिया ए और सी, 50,000 और 30,000, ठीक है, बी को चुकाने हैं 1,00,000। हमारे पास कंपनी में बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है 40,000, कितना पड़ा हुआ है 40,000। तो समझना, हमें क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी चाहती है कि उसके पास बैंक के बैलेंस में 15,000 रुपए रहने चाहिए, कितने रहने चाहिए, 15,000 तो रहने चाहिए। यानी कि इस 40 में से 15 को तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, वो तो एज इट इज रिजर्व हो गए, बाकी जो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं उस पैसे को हम बी को दे देंगे। यानी इस 1,00,000 में से जो बी को देने वाले हैं, ए और सी तो लाएंगे पैसा और 25,000 रुपए कौन देगा, कंपनी भी देगी। तो बस इतना सा चेंज है कि इस 1,00,000 में से कुछ शेयर कंपनी हमको दे देगी, यानी कि उनका थोड़ा बहुत जो टेंशन है वो टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि पहले पिछले केस में 1,00,000 रुपए लाने थे, इस केस में 75,000 ही लाने, वो बाकी 25,000 रुपए कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। तो कह देंगे कैसे, सेम वही मेथड जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो एज इट इज जैसा कि हमने किया था, उसके बाद निकालो टू बैलेंस सीडी रफ में, ये आ गया हमारा, फिर निकालना है हमें टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, इन दोनों की कैपिटल प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश का मतलब कितना पैसे की कमी है, कितने पैसे की कमी है वो कैसे पता लगेगा, देखो यहां समझो,
1 लाख रुपए लाने थे, 1 लाख की कमी थी, 25,000 रुपए हमें यहां से मिल गए, यानी 75,000 रुपीज की अभी कमी पड़ रही है। तो शॉर्टेज ऑफ कैश कैसे निकालेंगे, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, उस भाई को देने थे 1 लाख, माइनस अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश, कैश में कितने रुपए हैं जो कि कंपनी इजीली दे सकती है, 40 में से 15 रखने हैं तो 25,000 वो इजीली डिस्चार्ज कर सकती है, यानी 1 लाख में से 25,000 तो कंपनी दे देगी, बाकी जो 75,000 है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा शॉर्टेज ऑफ कैश, यानी ये 75,000 रुपए कौन लेके आएगा, ए और सी लेके आएंगे। और उसके बाद सेम हम क्या निकालेंगे, वैसे ही टोटल कैपिटल, ये प्लस वो 75,000, और उससे हम निकाल देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज इट इज सेम टू सेम जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, कोई भी चेंज नहीं है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखो, क्योंकि उसी वीडियो में सारा खेल है, इसमें तो बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो हमें बोला क्या है, दो चीजें बोली है इसमें, पहला मिनिमम कैश बैलेंस, कैश का कुछ पैसा रखना है, दूसरा कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो भी कैपिटल आएगी उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, और कैसे बांटते हैं हमें पता है कि जितनी भी कैपिटल है सबको जोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, जो कम ज्यादा है वो एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, तो जो क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 TS Rewards 2017 edition, पेज नंबर 5.91, जिनके पास बुक है बुक में देखो, नहीं है तो अपनी अपनी स्क्रीन पे देख लो, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करने की कोशिश करो। हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को अपने तरीके से करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है आप लोगों को करने में और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें करने में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पहले वैसे रीड करेंगे, एक्स वाई जेड 532, तो मैं ये चीज मिटा देता हूं हमारी, और यहां अपना सारा काम धाम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड 5:3:2, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, क्रेडिटर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, जो बटेगा हम उसको टिक करेंगे, बाकी टिक नहीं करेंगे, क्रेडिटर कुछ नहीं होता पड़े रहने दो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता पड़े रहने दो, पीएनएल का बैलेंस दे रखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए इसको हम टिक करेंगे, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं, इस तरफ आ जाते हैं बैंक डेटर स्टॉक फिक्स एसेट्स कोई काम है, लास्ट एक्स बताया, ये भाई चला गया आपकी बात, तो ये हमारा जो है अब की बार पहला वाला पार्टनर गया, जनरली हमारा क्या होता था दूसरा और तीसरे नंबर का पार्टनर जाता था, अब की बार कौन गया है, अब की बार पहला और पहला वाला पार्टनर गया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, इसका दे रखा है 3:2। तो गाइस जैसे कि हमको पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक ही काम होता है गेनिंग रेशियो निकालना, तो गाइस हम यहाँ निकाल देते हैं, हमें पता है कितना आने वाला है, नहीं आपने देखा तो यही हमारा गेनिंग रेशियो होता है, मेरी गेनिंग रेशियो वाली वीडियो है कैसे निकाला जाता है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है इसलिए मैं आपको वापस नहीं बता रहा, ठीक है। आगे देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, गुडविल कितना है 80, तो गुडविल का एक ही काम है जो जा रहा है उसको दे दो, तो जो जा रहा है कौन जा रहा है एक्स, तो एक्स को कितना देना है, एक्स का शेयर कितना है 80,000 का 5/10, तो यानी कि एक्स का शेयर है 40,000, तो ये 40,000 रुपए एक्स को मिलेंगे, कौन देगा बचे हुए पार्टनर देंगे, तो जनरल एंट्री कर लेते हैं वाई जेड टू एक्स, एक्स को मिलेंगे 40,000, कौन देगा वाई और जेड, किस रेशो में गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो दिखता है 3:2, तो 40,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 2416। अब गुडविल के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएट, फिक्स्ड एसेट को टिक लगाओ, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टिक लगा दिया, लायबिलिटी फॉर क्लेम ये नई चीज है, एक लायबिलिटी है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की है तो क्रेडिटर को टिक लगाएंगे बाद में पढ़ेंगे। आगे लास्ट लास्ट वाला केस क्या कह रहा है, अमाउंट टू बी पेड बाय एक्स टू एक्स बाय वाई एंड जेड, यानी एक्स को पैसा दिया जाएगा वाई और जेड देंगे, इन सच अ वे इस तरीके से देंगे दैट देयर कैपिटल बिकम्स प्रोपोर्शनल, यानी कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल सा होता है कि कैपिटल को जोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, बट एंड लीविंग अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए तक छोड़ने हैं, यानी 15,000 रुपए का ऊपर का जितना भी बैलेंस होगा जितना भी रोकड़ा पड़ा होगा वो सारा का सारा हम एक्स को दे देंगे, ठीक है।
तो अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हम बैंक में से निकाल लेंगे 15,000 को छोड़ के। तो ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है, ये वाला केस हो गया हमारा सेम एज इट इज। तो क्या करेंगे, बैंक को भी टिक लगा के इस केस को भी होल्ड पे डाल दें, क्योंकि हमें जो केस है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद करना है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन, देखो फटाफट फटाफट पोस्टिंग करेंगे, टाइम हो रहा है, हम टाइम देखते हैं। चलो वैसे की तरह लगता है, सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्या लिखा क्रेडिटर, अब याद आंसर सुनो, ये वाला जो है ना ये थोड़ा टेढ़ा है अपना, क्रेडिटर में थे 50,000, क्या बोला गया है, लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 10,000 इज सेटल्ड फॉर 8,000। 10,000 की एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर में जो कि 8,000 में मान गए, तो 2,000 का तो फायदा हो गया हमको, तो वो फायदा किस तरफ आ जाएगा, बाय क्रेडिटर के नाम से लाइबिलिटी कम होगी ना 2,000, ठीक है। और दूसरी चीज समझो, 10,000 वाले मान गए 8,000 में, तो उनको कैश दे दिया, ये समझने वाली बात है, सेटल्ड फॉर 8,000, सेटल्ड फॉर 8,000 मतलब दे दो फटाफट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करा, उन भाइयों को 8,000 रुपए देके भगा दिया, ठीक है। तो क्रेडिटर कितने के रह गए, 50,000 के पहले थे, 10,000 वाले लोग चले गए, 8,000 में मान के गए पर गए कितने वाले, 10 वाले, तो क्रेडिटर में कितने रह गए 40, और बाकी बचे हुए 8 रह गए। तो 8 का काम देखो, हमारा जो बैंक का बैलेंस है उसमें जितना भी है उसमें से माइनस 8,000 हम कर देंगे, क्यों कर देंगे, फिर क्रेडिटर 8,000 रुपए लेके चला गया। वापिस समझेंगे इसको एक बार कंप्लीट, क्रेडिटर में 10,000 रुपए वाली लायबिलिटी वाले लोग 8,000 रुपए में मान के चले गए, तो क्रेडिटर में से 10,000 वाले कम हो गए, तो क्रेडिटर में 10,000 वाले कम गए, 8 वाले 10 वाले लोग जब 8 में मान गए तो 2,000 का लायबिलिटी कम यहां लग गई, और 8,000 रुपए लेके चले गए इसलिए बैंक में से 8,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। आगे बढ़े एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कहा आता है, यहां एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज लिखा जाएगा, कोई टिक नहीं है इसलिए 10,000 रुपए का। आगे देखो, आगे लिखा हुआ पीएनएल अकाउंट, तो गाइस मैंने बताया ये रिजर्व है, एक तरीके से रिजर्व क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना है हमारा 5:3:2, तो कितना है 85,000 को 5:3:2 में बांटना है, तो ये हो गया 17,000, 25,500 और कितना है हम एक बार कर लेते हैं यार, 8,500 × 5 कितना हो गया 42,500, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, अगर गलत हो एक बार हम चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं है, अगर होगा तो गाइस देख लेना, ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए गलत, ठीक है। आगे देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना है बाय बैलेंस, कितना कितना है कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 40, 62 और 33,000, ठीक है 40, 62 और 33,000। तो फाइनल इस तरफ आते हैं कैश एट बैंक, तो बैंक का तो खाता खाली छोड़ दें हम, उसके बाद कितना लिखा हुआ है डेटर, डेटर पे एडजस्टमेंट क्या है, 1,00,000 के डेटर ने एडजस्टमेंट है टिक हमारा कि हमें 5% पीबीडी बनाना है, तो 5% हो गया 5,000, यह आया 2 PBD 5,000 रुपए और 95,000 हमारे यहां आ गए। आगे कितना लिखा हुआ है, आगे है स्टॉक, स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट हमारा नहीं है, ठीक है स्टॉक एज इट इज 80,000 रुपए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा फिक्स एसेट 60,000 रुपए, फिक्स एसेट पे एडजस्टमेंट है, दे आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू 57,500, कम करके 57,500 लेके आने हैं, तो 57,500 लेके आने हैं, अभी कितने थे 60 थे, तो 2,500 रुपए की कमी आ गई, तो 2 fixed assets 2,500 रुपए, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फाइनली एक बार ये वाला कर लेते हैं गुडविल वाला काम, तो देखो बाय एक्स को मिल रहा है तो कौन करे बाय वाई बाय जेड, ठीक है हम यहाँ ऊपर लिख देते ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, देखो यहाँ बाय वाई और बाय जेड, ठीक है हमारे पास जगह खाली थी मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है एक्स को दे रहे हैं, ये दे रहा है 24 और ये दे रहा है 16, ठीक है वाई और जेड में से कटेंगे, किसके नाम से कट रहे हैं 2x के नाम से, 24,000 वाई के में से कट रहे हो, 16,000 यहां से, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बैलेंस निकालना स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट यहां आएगा, देखो बराबर टोटल हुआ 7,500, इधर का हुआ
7500 डिफरेंस आएगा 5500। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा सही आ रहा है 5500। जब इसको बांटेंगे 5:3:2 में कितना है बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड को 5:3:2 में बांटा तो कितना हो गया ये 550 इंटू 1100 और 2750। एक बार इसकी टोटल करते हैं 0, 0, 14, 15 ठीक है और ये बिल्कुल सही है। यहां बाई साइड आ रहा है तो यहां किस तरफ टू साइड टू रिवैल्यूएशन कितना 2750 1650 और 1100 ठीक है। अब हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट आता है तो पहला काम तो टोटल कर लेते हैं सबका फिर देखेंगे क्या खेल हो रहा है ठीक है। तो सबसे पहले भाई आते हैं एक्स पे, एक्स क्या करेंगे सबसे पहले 40, 40, 80 और ये हो गया 1,22,500। 1,22,500 में से 2,750 गए तो इस भाई का जो बैलेंस आया है वो है 1,19,750 ठीक है। अब जान समझना इसको, अब हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस आता है। पहली चीज तो क्या है इसको दे दो पूरा का पूरा कैश, तो पहले तो इसको भाई को पूरा का पूरा बैंक में छोड़ देते हैं ठीक है। अब समझना, अब ये ध्यान समझेंगे अपन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस, पहले बाकी का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। बाकी का बैलेंस इसके द्वारा तो ये आया 87,500 और इस तरफ का आ गया 25,650। तो 87,500 में से 25,650 गए तो आने चाहिए अपने 61,850 इसका बैलेंस ये आ रहा है ठीक है। हम यहां इसको मिटा के देखते चलते हैं साथ साथ, देखो एक्स का बैलेंस यानी वाई का अपना वाई का बैलेंस आ रहा है 61,850। जेड का देखें इस तरफ का जेड का टोटल आ रहा है 50,000, इस तरफ आ रहा है 17,100। तो 50,000 - 17,100 कितना हो गया 32,900 ठीक है। ये तो आ गए इनके नॉर्मल बैलेंसेस, अब समझना क्या है। अब हमें जो एक्स था उसको पूरे पैसे चुकाने, पैसे कौन चुकाएगा वाई और जेड मिलकर चुकाएंगे। अब जो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है ध्यान से समझो उसको, बहुत टिपिकल नहीं है समझने वाली चीज है। क्या बोला है कि बैंक के खाते में 15,000 छोड़ने, तो हम बैंक का खाता लिखे, बैंक के खाते में सबसे पहले पड़े थे 40,000 ठीक है, उसमें से 8,000 ये कट गए थे यानी बैंक के खाते में टोटल पैसा अभी कंपनी के पास पड़ा हुआ है 32,000। इसमें से जो मिनिमम बैलेंस हमें छोड़ना है वो मिनिमम बैलेंस छोड़ना है 15,000। ये तो मिनिमम है, इसको तो रखना ही रखना है, बाकी हम दे सकते हैं वाई को। बाकी कितना बच गया 17,000 कंपनी दे सकती है वाई को, समझ आ गया ये चीज। तो हमारे बैंक के बैलेंस पर कितना आ गया, बैंक के बैलेंस में छोड़ना है 15,000 रुपए ठीक है, कट कटा के जो बचा बाकी 17,000 रुपए जो कंपनी है वो वाई को दे, वाई को नहीं एक्स को दे सकती है। यहां तक समझ में आया पहली चीज, तो कंपनी 17,000 रुपए तक का फाइनेंस एक्स को कर सकती है। तो समझो इसके अंदर एक्स को पेमेंट कितनी कर रही है 1,19,750 माइनस कंपनी कितना फाइनेंस दे सकती है 17,000 तक का फाइनेंस कंपनी दे सकती है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ कैश कितनी हो गई 1,02,750 रुपए। ये क्या हो गई शॉर्टेज ऑफ कैश, सीधा सिंपल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस अवेलेबल अमाउंट 17,000 रुपए अवेलेबल था, यानी कि 1,02,750 का क्या हो गया शॉर्टेज। अब वो पैसा कौन लेके आएगा, वो सारा पैसा लेके आएगा वाई और जेड। किस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ठीक है सबसे पहले हमें निकालनी है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई इन दोनों की, पहले जो थी 81,850 प्लस 32,900 प्लस कितना पैसा लेके आएंगे, ये लेके आएंगे 1,02,750 यानी कि इन लोगों की जो कैपिटल है वो करीब करीब इतनी होगी। तो इन सबको जब हमने जोड़ा तो कंपनी की टोटल कैपिटल आएगी 1,97,500 ठीक है, यानी कि लाने के बाद जितनी इनकी कैपिटल है वो थी प्लस जितना पैसा ये लेके आएंगे वो सब मिला मिलू के कंपनी के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए ठीक है। तो देखो इधर इसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो देखे तो 1,97,500
500। इसको किस रेशियो में बांटना है? इसको हम बांटेंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना है? 3:2। तो कितना आ रहा है? 1,18,500 रुपए इसका, और 79,000 अप्रोक्सीमेटली इसका आना चाहिए। एक बार करके देखते हैं, 500, 9, 8, 17 का 7, 8 ठीक है। तो ये आई हम लोगों की न्यू कैपिटल। ये आई क्या? न्यू कैपिटल। यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। इन भाई लोगों की कैपिटल कितनी होगी? 1,18,500, इसकी कैपिटल है 1,18,500 और इस भाई की कैपिटल होगी 79,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वापस समझ लो, हमने क्या किया है? हमने क्या किया है, पहले नॉर्मल कैपिटल निकाले, एक्सो जितना पैसा था वो देखा, कंपनी ने कितना फाइनेंस दिया, कंपनी ने 17,000 का फाइनेंस दिया, यानी कि बचे मुझे 1,02,750 को लाएगा, ये लोग लेके आएंगे। तो हमने क्या करा, क्योंकि इनकी कैपिटल हमें क्या करनी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमने पहले सिंपल सा सारा पैसा लिया है, उसको हमने क्या करा, बांट दिया। सारा पैसा लाने के बाद 1,97,500 आ रहा था, इसको बांट दिया, ठीक है। अब देखते हैं वही काम कि कम ज्यादा जो है हम उसको कैसे एडजस्ट कर देंगे। तो कम ज्यादा निकालने का सिंपल सा तरीका, पहले देखो वाई का, वाई की होनी चाहिए 1,18,500 माइनस वाई की है कितनी, 61,850। कितने की कमी पड़ गई? 56,650 जो है वो हमारा वाई लेके आएगा, ठीक है। और जेड कितना लाएगा? देखो जेड की होनी चाहिए थी 79 और है कितनी, 32,900। यानी कि हमारा जो जेड है वो कितने पैसे लाएगा? 00,164,46 लेके आ जाओ बाय बैंक। 56,650 ये लेके आएगा एंड लास्टली 46,100 ये लेके आएगा, ठीक है। तो y को पूरा पैसा दे दिया गया है, वो पैसा हमने दिया है y को, x को पूरा पैसा दे दिया गया है, वो पैसा दिया है y और z के मिलके, ठीक है। वो पैसा लेके आ गए और टोटल इनकी कैपिटल जो है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गई। बैलेंस उतार देते हैं कैपिटल अकाउंट y और z का, तो 1,18,500 और ये 79,000 जोड़ा, वही 1,97,500 यहाँ पे आएगा। पहले से निकाल लें एक बार, 197 + 50,000 कितना हो गया, ये 2,47,500। चेक कर लेते हैं एक बार भाई लोगों, भगवान का नाम देखिए, यार नहीं गिवन ही नहीं है, सही होगा छोड़ो, ठीक है। इधर का भी टोटल करते हैं, लास्ट की तीन डिजिट 500 500 सही है, हाथ जोड़ लो कि हमारा बिल्कुल क्वेश्चन सही होना चाहिए। 2,47,500 हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दी है, जिस लोगों को प्रॉब्लम हो अपने क्वेश्चन चेक कर लो, अपने आप आ जाना चाहिए हमारा आंसर। तो गाइस ये था हमारा केस नंबर 4, द मोस्ट टिपिकल केस ऑफ दिस होल चैप्टर, सब उस चैप्टर का सबसे टेढ़ा केस ये था। करना क्या था? बस पैसा वाई और जेड देंगे, बट क्या करना है, छोटी सी चीज नहीं ये थी कि कंपनी भी थोड़ा बहुत फाइनेंस दे देगी और उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो कंपनी ने 17 का फाइनेंस दिया, बाकी जो कैपिटल है वो दिए दोनों लेके आएंगे, इनकी कैपिटल में जोड़ा, टोटल कैपिटल आ गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना था, बांट के खत्म कर दिया। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।